नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इस डिजिटल प्लेटफॉर्म में। आज हम अप्रैल मंथ की करंट अफेयर की बात करेंगे। अप्रैल मंथ में हम अपॉइंटमेंट सेक्शन आज कंप्लीट करेंगे, पार्ट पार्ट करके धीरे धीरे सभी सेक्शन को अपॉइंटमेंट के बाद अवार्ड इसी तरह से कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ठीक, अपॉइंटमेंट में फर्स्ट अगर हम देखें तो नितिन नारंग, अखिल भारतीय शतरंज महासंघ के नए अध्यक्ष। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ मतलब ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के नए अध्यक्ष कौन बन गए? नितिन नारंग। राजीव गोबा, LGBTQ समुदाय पर केंद्र सरकार द्वारा सृजित, सृजित गर लिखा हुआ है, सृजित समिति के प्रमुख राजीव गोबा। तो किसके? LGBTQ समुदाय। एक्चुअली जो सुप्रियो चक्रवर्ती बनाम भारत सरकार मामले 2023 में आया था, उसमें सुप्रीम कोर्ट के सुझाव पर केंद्र सरकार द्वारा 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था, उसी के अभी ये प्रमुख हैं राजीव गोबा नियुक्त किया गया है। राकेश मोहन, राकेश मोहन RBI के पूर्व डिप्टी गवर्नर रह चुके हैं, पूर्व डिप्टी गवर्नर राकेश मोहन RBI के। विश्व बैंक समूह के आर्थिक सलाहकार पैनल के सदस्य हैं। विश्व बैंक ग्रुप का जो है आर्थिक सलाहकार पैनल है, तो उसमें ये भी शामिल होंगे राकेश मोहन। ठीक, नेक्स्ट है दिनेश कुमार त्रिपाठी, नए नौसेना प्रमुख। आर हरि कुमार को स्थानांतरित करके आर हरि कुमार के स्थान पर आ गए दिनेश कुमार त्रिपाठी, नए नौसेना प्रमुख। ठीक, ये इंपॉर्टेंट है दिनेश कुमार त्रिपाठी। नेक्स्ट हम बात करेंगे राजीव कुमार मित्तल। राजीव कुमार मित्तल राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक। राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक कौन हो गए? राजीव कुमार मित्तल। गीता सभरवाल इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट समन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर, संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनिया गुटेरेस के द्वारा इनकी नियुक्ति की गई है। तो गीता समरवाल को लिए बस इतना ध्यान में रखना है, ये इंडोनेशिया में संयुक्त राष्ट्र रेजिडेंट महासमन्वयक यानी कि कोऑर्डिनेटर बन गई है। कहाँ पर? इंडोनेशिया। ठीक, उसके बाद विनय कुमार, ये इंपॉर्टेंट है, रूस में भारत के नए राजदूत। भारत का रसिया में नया नादूत राजदूत कौन हो गया? तो विनय कुमार। राजीव कुमार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, उत्तर प्रदेश के नए मुख्य सूचना आयुक्त, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हैं। ठीक, उसके बाद राजेंद्र प्रसाद गोयल, भारत की जल विद्युत कंपनी कौन सी? हाइड्रो पावर। NHPC के अध्यक्ष के रूप और प्रबंध निदेशक बने हुए हैं, मतलब कि CMD बन गए, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन? राजेंद्र कुमार गोयल। राजेंद्र कुमार गोयल ये, अच्छा, NHPC का हेडक्वार्टर जो है ये है फरीदाबाद में, राइट। शेफाली वी शरण PIV की नई प्रधान महानिदेशक यानी प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल बन गई है शेफाली वी शरण। नेक्स्ट अगर हम बात करें जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनर्निर्वाचित हुए। जगजीत पवाड़िया इंटरनेशनल नारकोटिक्स कंट्रोल बोर्ड के लिए पुनर्निर्वाचित। मनोज पंडा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त हुए, ये पूर्ण है, माफ कीजिएगा गलत लिखा हुआ है। मनोज पंडा 16वें वित्त आयोग के पूर्णकालिक सदस्य नियुक्त किए गए। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष जो हैं अरविंद पंगड़िया, इनका कार्यकाल 2026 1 अप्रैल से शुरू होगा। ठीक, 2025 में इनको रिपोर्ट सबमिट करना है। ठीक, तो अरविंद पंगड़िया जो है 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है आर्टिकल 280 के सब क्लॉज 1 प्रेसिडेंट के द्वारा। राहुल सिंह CBSE के चेयरमैन, राहुल सिंह CBSE के नए चेयरमैन बना दिए गए हैं। तमास सुलियोक हंगरी के राष्ट्राध्यक्ष, तमास सुलियोक हंगरी के नए राष्ट्राध्यक्ष नियुक्त हुए। ठीक, अद्वैर नायर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ष 2024 की यंग ग्लोबल लीडर नामित की गई है, अद्वैत नायर। ठीक, ये कौन, क्या अपॉइंट की गई है? तो 2024 की यंग ग्लोबल लीडर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा, WEF द्वारा, अद्वित नायर। हुसैन बोल्ट और युवराज सिंह, ये इंपॉर्टेंट है, अदित नायर भी इंपॉर्टेंट है, ये हुसैन बोल्ट और युवराज सिंह इन दोनों को
T20, कौन सा T20? पुरुष मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 के एम्बेसडर नियुक्त किया गया, हुसैन बोल्ट और युवराज सिंह। ठीक, हुसैन बोल्ट जो है ये धावा खेल रहा है और युवराज सिंह क्रिकेट है, आप सभी जानते हैं। क्रिस्टालिना जॉर्जिया ये बुल्गारिया के एक इकोनॉमिस्ट है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक इनको नियुक्त किया गया, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक जूडिथ सुमिनवा। तुलुका कांगो, जूडिथ सुमिनवा तुलुका ये कांगो की कौन पहली प्रधानमंत्री बनी है? जूडिथ सुमिनवा तुलुका। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद कुवैत का नए प्रधानमंत्री बने। तो ये क्वेश्चन जो है यूपी के एग्जाम में ये दोनों, एक तो जूडिथ सुमिनवा तुलुका एंड शेख अहमद अब्दुल्ला अल, दोनों इंपॉर्टेंट है यूपी के एग्जाम के लिए। कमल किशोर आप दस हो गए। न्यूनीकरण के महान सचिव, आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए महासचिव के सहायक एवं विशेष प्रतिनिधि बने हैं कमल किशोर। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो, जो भी अगर ठीक लग रहा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। जी सर, थैंक यू।